सुना पर पूरा में पेश आ रहा है, शायद पूरा पुल के करीब एक पेड़ करके हुआ है हाथ, लेकिन इन हादसा की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मैं ये जो आरती डिपार्टमेंट होता है वो भी नहीं देता है, कोई तवज्जो नहीं देता। उन्हें देखता है कोई किस तरह चलता है और बगैर लाइसेंस भी चलते हैं, अक्सर गाड़ियां और स्कूटर वाले बगैर लाइसेंस चलते, इनको पूछने वाला कोई नहीं। अगर हम यहाँ बात करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के, तकरीबन 3-4 महीने से यहाँ पर 5-8 एक्सीडेंट हुए। ये क्यों हुए? इसमें हमारी सिर्फ तगाफुल है, जब तवज्जो नहीं देते, उधर से गाड़ी आती है और जाती है, न देखते हैं उसको चलाना आता है, न देते उसकी लाइसेंस होती है। कोई डिपार्टमेंट, हम अगर इस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, इस सुंबल से शादीपुरा तक आज तक तकरीबन 3 महीने से 5-8 एक्सीडेंट, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। बाद में हो कहते हैं हाँ इसका मौत ऐसा हो गया। अरे क्या मौत ऐसा हो, तो बेचारे अच्छी तरह चलते हैं, वो जब नहीं दूसरा वाला नहीं सीधे से चलता है वो दूसरे को, इसीलिए जान यही गुजारिश करते हैं इनकी तरफ तवज्जो दो, ताकि जो ट्रैफिक चलता है खासकर हमारे स्टेट में कोई अच्छी तरीके से नहीं चलता। ये तो स्कूटी पर सवार थे दो मियां बीवी और डब गांधरबल के रहने वाले हैं, सईद मोहम्मद की बीवी है, वो उसके पीछे थी। जब टैंकर वाले ने ताश मारा तो दोनों बेचारे गिर गए, वो बच गए और पूरी जख्मी खत्म। गुजारिश है कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हम किस तरह से ये हादसा बचाएंगे। कोई